पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि देश भर के तमाम हवाई अड्डे और विमानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आज भी इसको लेकर देखा जाए तो करीब 85 से अधिक विमानों को जो है ऐसी धमकियां मिली। हालांकि राहत की बात ये है कि जो ये धमकियां थी वो फर्जी पाई गई हैं। जो धमकियां आज मिली उसमें जो है स्पाइस जेट, आकाशा, एयर इंडिया, विस्तारा की तमाम वो फ्लाइट है जिनको धमकियाँ मिली हैं। और अब तक करीब जब से ये मामला शुरू हुआ है तब से करीब 200 से अधिक विमानों को ऐसी धमकियाँ मिल चुकी हैं। करीब जो एयरलाइंस है उनका करीब 550 करोड़ रुपए से अधिक का इस धमकियों की वजह से नुकसान हो चुका है। और सरकार इस पूरे मामले को लेकर बहुत सख्त है और इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है। जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सूत्र बता रहे हैं, दिल्ली में इन मामलों को लेकर करीब 9 FIR दर्ज की गई है और 12 से 13 NCR दर्ज की गई है। हालांकि दिल्ली में अब तक इस मामले को लेकर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। मुंबई में भी करीब 4 से अधिक FIR दर्ज की गई है और पिछले जो इस मामले में एक नाबालिग की गिरफ्तारी हुई है। जो सूत्र है उसके मुताबिक सरकार इन मामलों को लेकर, क्योंकि तमाम जो धमकियां आई हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए आई हैं और इसको लेकर सरकार ने मीटा और एस को डेटा दिया है ताकि ये पता किया जा सके कि ये धमकियां कहां से आ रही है। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि तमाम जो धमकियां हैं वो विदेशों से आई हैं, जिसमें लंदन और US से भी धमकियां आई हैं और उन देशों के जो अधिकारी हैं उनसे भी सरकार ने इस मसले पर जो है डेटा साझा किया है। और ये भी बताया जा रहा है कि इस पूरे मसले को लेकर जो गृह मंत्रालय है, जो विदेश मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, वो पूरे गंभीरता से लगा हुआ है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। जो तमाम एजेंसियां हैं, तमाम एयरलाइंस हैं, उनके साथ मिलकर इस पूरे मसले को डील किया जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक सरकार जो मौजूदा कानून है उसमें भी संशोधन करने की तैयारी में है, उसको और कठोर बनाने की तैयारी की जा रही है। अब एक अलग से कानून बनाने की भी बात निकल कर सामने आ रही है कि उसमें क्या प्रावधान किया जाए, उसको लेकर जो लॉ डिपार्टमेंट है उससे जो है रायशुमारी चल रही है और आने वाले दिनों में इसको लेकर एक बड़े फैसले भी कुछ लिए जा सकते हैं। जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसमें ये भी है कि सरकार जो है इसको लेकर काफ़ी कठोर है और आने वाले दिनों में ये भी प्लानिंग चल रही है कि जो लोग इस तरह की धमकियां दे रहे हैं उनको जो है उनको आइडेंटिफाई करके उनको नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया जाए। और ये जो शामिल किया जाएगा वो जो पाबंदी होगी वो कई वर्षों तक लागू रहेगी। और इसके अलावा ये भी निकल कर सामने आ रहा है कि सरकार उन तमाम लोगों को ट्रेस कर रही है और उन तमाम लोगों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। अब पिछले दिनों आपको याद होगा कि सरकार ने भी ये ऐलान किया था कि जो है आने वाले दिनों में जो स्काई मार्शल की नियुक्ति होती है उसकी संख्या को दोगुना किया जाएगा। हालांकि अब तक जो है सरकार ने जो तमाम कदम उठाए हैं उसके बावजूद भी तमाम ऐसी धमकियां हमको पिछले कई दिनों से देखने को मिली है और लगातार इसको लेकर सरकार भी कार्रवाई करने की कोशिश में है। पिछले दिनों जो है इसको लेकर जो तमाम एयरलाइंस की CEOs हैं उनके साथ बैठक की गई थी और 2 घंटे से अधिक इस बैठक में इसको लेकर चर्चा की गई थी कि कैसे इन मसलों को जो है डील किया जाए। लेकिन कुल मिलाकर जो बातें निकल कर सामने आई है, सरकार का ये साफ तौर पे कहना है कि जो तमाम जो धमकियां हैं वो जो है फर्जी हैं, वो जो है फेक पाई गई हैं, मिसलीड करने की कोशिश की गई है और यात्रियों की सुरक्षा जो है सबसे बड़ी प्रतिबद्धता है और उसको लेकर तमाम जो कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी उसको उठाया जाएगा। और जो लोग भी इस तरह की जो धमकियाँ दे रहे हैं, जो गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ आने वाले समय में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर जो राहत की बात है वो यही है कि इन जो धमकियां हैं वो अब तक फर्जी पाई गई हैं। लेकिन बड़ा सवाल अभी बना है कि जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं उन लोगों की पहचान कब तक होगी, वो कब तक जो है आप एजेंसियों के गिरफ्त में आएंगे, कब तक वो पुलिस गिरफ्त में आएंगे और कब उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इस प्रकार की धमकियां क्यों दी जा रही हैं, इसके पीछे कौन लोग हैं और किस मंशा के तहत इस तरह की जो है धमकियां दी जा रही हैं, आने वाले समय में उम्मीद की जा सकती है कि उसका भी जल्द खुलासा होगा। नई दिल्ली से NTV इंडिया के लिए पल्लव मिश्रा।